तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट पार्ट, जिसका नाम है कोलिजन थ्योरी। देखो कोलिजन थ्योरी क्या है। कोलिजन थ्योरी कहता है कि रिएक्शन को होने के लिए, जैसे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या कह रहा है कि रिएक्शन को होने के लिए दो चीज़ चाहिए होता है। क्या क्या? सबसे पहला चाहिए होता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन हो, मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन हो, दोनों टकराएं। लेकिन टकराने का भी तरीका है, कैसे भी टकरा जाएंगे तो कोलिजन नहीं होगा। एक प्रॉपर ओरिएंटेशन, क्या प्रॉपर ओरिएंटेशन में टकराएंगे तभी होगा। जैसे अगर मान लो मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे टकराएं और कोई मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे टकराए तो शायद रिएक्शन ना हो। तो उनका एक ओरिएंटेशन है, उनका एक अरेंजमेंट है कि उसी अरेंजमेंट में टकराएंगे तो रिएक्शन होगा। दो चीज़ है, दो चीज़ क्या क्या है, तो दो चीज़ है। एक है एनर्जी कंडीशन। एनर्जी कंडीशन क्या है? एनर्जी कंडीशन है कि कोलिजन, मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होने के लिए, दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होने के लिए दोनों मॉलिक्यूल के पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए। उस एनर्जी का नाम क्या है? उस एनर्जी का नाम है थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, अगर मान लो हम लोग एक ग्राफ पढ़ चुके हैं पहले, क्या ग्राफ देखो दिखाते हैं, मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसमें जो ये E1 है, E1 है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो जिस जिस मॉलिक्यूल का E1 से ज़्यादा एनर्जी है, तो देखो ये शेडेड एरिया है, जब टेम्परेचर टी डिग्री था तो शेडेड एरिया इतना था, लेकिन टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दिए तो शेडेड एरिया इतना हो गया। लेकिन बात है कि जितना मॉलिक्यूल का एनर्जी इस E1 यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी ज़्यादा होगा, वही मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन कर पाएंगे। वही मॉलिक्यूल जिनका थ्रेशोल्ड एनर्जी ज़्यादा है उनका इफेक्टिव कोलिजन होगा और वो रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले चाहिए हमको एनर्जी कंडीशन। एनर्जी कंडीशन में क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। लेकिन दूसरा क्या है? प्रॉपर ओरिएंटेशन। अब देखो ये एक्स एक्स देखो यार, X2 और ये Y2। अगर मान लो ये ऐसे किया तो ये प्रोडक्ट बना रहा है, लेकिन यही इस ओरिएंटेशन में किया तो ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है, तो रिएक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको मैथमेटिकली समझते हैं। हम लोग क्या पढ़े थे, K = AE⁻EA/RT, जिसमें ईए क्या था? एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखो ए को तुम लिख सकते हो PZ ए क्या है? ए है अर्हेनियस कांस्टेंट, तो अर्हेनियस कांस्टेंट को लिखो PZ। तो इस ये हो क्या जाएगा बताओ? तो ये हो जाएगा K = PZ e⁻EA/RT। अब पी क्या और जेड क्या है? जेड है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी, मतलब कितना कोलिजन हो रहा है जेड ये बता रहा है। और पी है स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक का क्या मतलब होता है? स्टेरिक बता रहा है तुमको ओरिएंटेशन को। तो जेड बता रहा है तुमको कि कितना कोलिजन हो रहा है, और पी बता रहा है कि कौन कौन से कोलिजन प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो रहे हैं। है ना, दो चीज़ चाहिए ना हमको, एक एनर्जी चाहिए एक ओरिएंटेशन चाहिए। तो जेड तुम्हारा फ्रीक्वेंसी बता रहा है कितना कोलिजन्स हो रहे हैं, और पी बता रहा है कितना ओरिएंटेशन उनका कैसा है। ठीक है, अब कोलिजन थ्योरी क्या है? कोलिजन थ्योरी में जैसे एक बात बताओ, टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ता है? टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ने से क्या मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है? हाँ बढ़ जाती है। देखो पहले इतने मॉलिक्यूल्स का मतलब इतना एनर्जी इतने फ्रैक्शन मॉलिक्यूल का था, मैक्सिमम फ्रैक्शन मॉलिक्यूल का इतना एनर्जी था। लेकिन अब मैक्सिमम फ्रैक्शन मॉलिक्यूल का इतना एनर्जी है, मतलब सबकी एनर्जी बढ़ी है थोड़ी थोड़ी, है ना। मैक्सिमम फ्रैक्शन मॉलिक्यूल, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बता रहा है ना, ये मैक्सिमा है, पीक है, ये दोनों ग्राफ का पीक है। तो पीक मैक्सिमा जो है, मतलब मान लो ये 50% होगा, हम अंदाज से कह रहे हैं, हम वैल्यू के हमको नहीं पता है,
मान लो ये 0.5 है, इसका मतलब 50% मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इतनी थी, लेकिन अब एनर्जी बढ़ी है मॉलिक्यूल्स की। तो मॉलिक्यूल की एनर्जी तो बढ़ती है, वो कोलिजन फास्ट करने लगते हैं, लेकिन उसका उसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ता है। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो इफेक्टिव कोलिजन कर सकते हैं उन, वो फ्रैक्शन बढ़ गया। अब ज़्यादा मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन कर पा रहे हैं, पहले कम मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन कर पा रहे थे, तो इसके कारण रेट बढ़ता है। ठीक है, अब हम लोग कैटलिस्ट के बारे में समझते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है? देखो, कोई भी रिएक्शन है ए प्लस बी सी, इस रिएक्शन को कैटलिस्ट क्या करता है, फास्ट कर देता है। ये रिएक्शन अगर ऐसे हो रहा है तो थोड़ा स्लो रहेगा, लेकिन वही अगर कैटलिस्ट आ गया तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो आखिर कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट कैसे करता है? कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को फास्ट कर देता है, स्पीड को बढ़ा देता है रिएक्शन के। तो बताओ कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को कैसे बढ़ाता होगा? चलो एक हम गेस बोलते हैं तुमको कि कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है क्योंकि कैटलिस्ट रिएक्शन का रास्ता दूसरा कर देता है, रास्ता चेंज कर देता है। तो रिएक्शन अब दूसरे मेथड से हो रहा है इसलिए रिएक्शन फास्ट हो रहा है? नहीं, ये गलत है। कैटलिस्ट रिएक्शन को कुछ नहीं करता है, रिएक्शन जिस रास्ते से पहले हो रहा था, जो तरीका था, उसी रास्ते से होता है। रिएक्शन के नेचर पे कैटलिस्ट का इफेक्ट नहीं है। तो कैटलिस्ट क्या करता है बताओ? कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। अब ये हम लोग को पहले जानना पड़ेगा कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है इसके लिए यहाँ समझते हैं। ये देखो, ये ग्राफ है, ग्राफ पे यहाँ पे है पोटेंशियल एनर्जी। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे है रिएक्शन का प्रोग्रेस, रिएक्शन प्रोग्रेस। तो देखो, पहले दो मॉलिक्यूल्स हैं ए और बी मिलके सी बना रहे हैं। तो पहले दो मॉलिक्यूल थे, ए है, ये बी है। ये दोनों मॉलिक्यूल पहले इतना पोटेंशियल एनर्जी रखे हुए थे। कितना? इतना पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों मॉलिक्यूल रखे हुए थे, इस स्टेट पे थे। ठीक है, प्रोडक्ट जो बन रहा है वो सी है। तुम बताओ प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी कम होगी? देखो, एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो कम स्टेबल होता है, और एनर्जी कम होती है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो रिएक्शन तो हमेशा मोर स्टेबल की तरफ जाता है। अगर रिएक्शन हो रहा है इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि ये चीज़ जो है ये कम स्टेबल थी, तब रिएक्शन होके ये चीज़ ज़्यादा स्टेबल बनी। इसका मतलब सी जो है ज़्यादा स्टेबल चीज़ है तो उसका एनर्जी कम होगा। तो सी यहाँ पे है तुम्हारा, सी की पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, अब रिएक्शन में ए से बी से सी बन रहा है, इसका मतलब एनर्जी को यहाँ से यहाँ आना है, है ना? यहाँ से एनर्जी को यहाँ आना है, लेकिन एनर्जी यहाँ से यहाँ डायरेक्ट नहीं डिक्रीज कर सकता है। ठीक है, जैसे तुम समझो, कोई भी काम करने के लिए पहले थोड़ा सा किक देना पड़ता है, है ना? तो वही रिएक्शन में हमको फाइनली क्या करना है, एनर्जी को घटाना है, लेकिन रिएक्शन में पहले थोड़ा सा हमको किक ऊपर से देना पड़ेगा। रिएक्शन किस रास्ते से हो रहा है हम बताते हैं। ये रास्ते से रिएक्शन हो रहा है, ठीक है? अब देखो इसमें क्या हुआ, इसमें पहले एनर्जी बढ़ा, है ना? देखो, पहले एनर्जी का लेवल इतना था एनर्जी का लेवल, इतना एनर्जी का लेवल बढ़ा, इतना एनर्जी का लेवल बढ़ा तो ये यहाँ पे पहुँच गया। ये कौन सा जगह है? इस पॉइंट को बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं?
एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो पहले हमको रिएक्टेंट्स को एनर्जी दे के एनर्जी इनका बढ़ाना पड़ा ताकि ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बने। हमको सबसे पहले रिएक्शन को अगर प्रोग्रेस कराना है तो हमको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना है, और ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ये रिएक्टेंट्स के एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी पर है। तो इसका मतलब हमको पहले एनर्जी देना पड़ेगा। एक बार एनर्जी दे देंगे तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ऊपर एनर्जी बढ़ गया, उसके बाद ये एनर्जी अपने आप घट घट के सी बन जाएगा, लेकिन पहले तो हमको एनर्जी देना पड़ेगा। भले फाइनली प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट से कम है लेकिन शुरू में एनर्जी देना पड़ता है। तो ये जो एनर्जी है जो हमको देना पड़ता है शुरुआत में, इसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी नाम से ही क्लियर है, एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, क्या एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये रिएक्टेंट था, इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी दें तो एक्टिवेट हो गया, और एक्टिवेट होकर क्या बना, एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स। और एक बार एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स बन गया तो उसके बाद वो प्रोडक्ट बन गया, लेकिन शुरू में हमको एक्टिवेशन एनर्जी देना था। ठीक है, तो देखो कैटलिस्ट क्या करता है, ये ग्राफ है। पहले रिएक्टेंट यहाँ पे था, हाँ, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी दिए तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, और फिर अपने आप प्रोडक्ट बन गया। कैटलिस्ट क्या करता है, इस एक्टिवेशन एनर्जी को, पहले एक्टिवेशन एनर्जी इतना था ना, देखो ये क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विदाउट कैटलिस्ट, इस एक्टिवेशन एनर्जी को कैटलिस्ट कम कर देता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विथ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट अब इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया तो अब इसको उतना ऊपर जाने का ज़रूरत नहीं है, अब ये यहाँ पे जाएगा तो यहीं पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और यहाँ से फिर प्रोडक्ट बन सकता है। तो कैटलिस्ट क्या किया, कैटलिस्ट जो एक्टिवेशन एनर्जी था ये विदाउट कैटलिस्ट था, इसको कम कर दिया तो अब जो नया एडिक्शन है उसको यहीं तक जाना पड़ेगा, इतना ही दूर तक जाना पड़ेगा। ठीक है, एक कन्फ्यूजन जो लोगों को सबसे ज़्यादा होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी में क्या अंतर है। ठीक है, ये देखो ग्राफ में हम तुमको दिखाते हैं, पहले एनर्जी कितना था, इतना था, एक्टिवेशन एनर्जी दिए, फाइनल एनर्जी प्रोडक्ट का इतना है, ये रिएक्टेंट का एनर्जी, ये प्रोडक्ट का एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी कितना है, इतना है। तो ये जो एनर्जी है, जो डिफरेंस है, ये हमको बाहर से देना पड़ रहा है, वो है एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है